तो ये जो भी ऑफर है वो 4th मार्च तक है, आपका लक्ष्य जेई का भी एंड अर्जुना जेई एंड अर्जुना नीट का भी। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। आप लोगों को पता है कि विश्वास दिवस में अलग सर ने हमारे पास कुछ बैचेस को प्री लॉन्च किया था, उसमें से है हमारे पास एक अर्जुना जेई एंड नीट, जिसके बारे में मैम कुछ बताएंगी। और आप सभी को पता है कि इस बार हम लोगों ने प्राइसेस और कम करे हैं, जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होती जाएगी हम लोग प्राइसेस को नीचे करते हुए जाएंगे। तो नॉट ओनली अर्जुना जेई एंड नीट, इवन लक्ष्य जेई एंड लक्ष्य नीट, बोथ द बैचेस आर लॉन्च्ड। और लेट मी टेल यू, जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में है, जितने भी बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए अर्जुना बैच है, अर्जुना नीट फॉर दी मेडिकल एस्पिरेंट्स एंड अर्जुना जेई फॉर दी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, राइट। और जो इस साल 11th पढ़ चुके हैं और वो 12th में जा रहे हैं, उनके लिए लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है, लक्ष्य नीट अगेन फॉर दी मेडिकल स्टूडेंट्स एंड लक्ष्य जेई फॉर दी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। दो ज्यादा बैचेस यहाँ पे आपको अर्जुना जेई और अर्जुना नीट दिख रहा है, एंड यू कैन सी दी प्राइसेस आल्सो, 4th मार्च तक के लिए वैलिड है ये अमेजिंग ऑफर, एंड दिस इज लक्ष्य जेई एंड लक्ष्य नीट, राइट सर। अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो ऐप पे जाके, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके आप बैचेस में जाके सारी डिटेल पा सकते हैं। वहाँ पे डेमो लेक्चर सारे फैकल्टी सुपर फैकल्टीज के हैं, आपके लिए पहले से प्री रिकॉर्डेड है, और काफी सारी बैच की डिटेल्स भी हैं जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट आए, राइट। तो मैम मेरे हिसाब से एक चीज यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे पिछले साल से जो ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, दैट इज पीडब्ल्यू लाइब्रेरी, राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और विश्वास दिवस के टाइम पे आई थिंक रोहित सर ने काफी कुछ बताया था लाइब्रेरी के बारे में, और मुझे सबसे अच्छा यही लगा, बिकॉज होता क्या है ना, आप लोगों के पास देखो उसमें मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे, उससे भी जरूरी सर सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, यानी कि बच्चा अगर इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन कर नहीं पा रहा है तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, और क्या चाहिए, उसको आपने यूटिलाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज सर मैं नीट के बच्चों को बोलना चाहती हूँ, स्पेशली देखो जो 10th से 11th में आ रहे हैं, अलग सर ने ऑलरेडी कहा इट्स अ वेरी बिग जंप, है ना, आपका सबसे बड़ा जंप आई थिंक होने वाला है 10th से 11th का। और बच्चा थोड़ा दुख दर्द में रहता है कि पहले तो एक बुक पढ़ रहे थे साइंस की, अब फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई, बायो अलग हो गई, बायो में जूलॉजी बॉटनी अलग हो गई। बट मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी कि देखो बायो के लिए ऑफकोर्स डे वन से जम के एनसीईआरटी पढ़ना है, और ऑफकोर्स हमारे साथ जो हम क्लास में पढ़ाएंगे नोट्स को डे वन से फॉलो करना है। जिस दिन से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है उस दिन से आप कोशिश करो कि आप रेगुलर अटेंड करो, अगर आप रेगुलर रहोगे तो आई डोंट थिंक आपको वो प्रॉब्लम होगी जो इस साल बच्चे हमें बहुत बार बोलते थे सर, दैट इज बैकलॉग, राइट। और एक चीज सर, देन आई एम गिविंग यू द माइक, आई एम सो सॉरी, लक्ष्य में जो बच्चे जा रहे हैं जो इस साल 11th से 12th में थे, आपको पता है आपने पूरे साल भर क्या गलती की है, और आप लोगों को पता है आप कितना बैकलॉग करते थे, बेटा वो गलती आपको इस साल नहीं करनी है, बहुत कम टाइम बचा है, मतलब पलक झपकते ही नीट आ जाएगा। डे वन से आई एम टेलिंग यू ऑल टू बी वेरी वेरी रेगुलर, आप जाइए बैच में, आप फैकल्टी देखिए, आप डे वन से क्लास अटेंड कीजिए बेटा, वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नाउ आई गिव यू द माइक सर, आपको जो बोलना है बोलिए बेटा, बस वही मेजोरिटी चीजें मैम ने बता ही दी है बेटा, कि 11th क्लास में जब आप आओगे तो एक ओपन माइंडसेट के साथ आना कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको होमवर्क मिलेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, दिस इज नॉट क्लास 10th कि जहां पर थोड़ा बहुत पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे क्लास 12th में जा रहे हैं, भले ही वो लक्ष्य जेई में जा रहे हैं या लक्ष्य नीट में जा रहे हैं बेटा, जो भी आपके लिए फैकल्टीज बोल रहा है वो आपके फायदे के लिए बात के लिए बोलेगा, सारे सब्जेक्ट में फैकल्टी जो आपको गाइड करेंगे प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। आपने देख सकते हैं कि आपने 11वीं में कुछ ना कुछ चीज़ें गवाई हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी रही होंगी, ठीक है। तो कमियों पर काम करना है आपको, कंसिस्टेंसी और कॉन्स्टेंट हार्डवर्क थ्रू आउट करना है। तो ये जो भी ऑफर है वो 4th मार्च तक है, आपका लक्ष्य जेई का भी एंड अर्जुना जेई एंड अर्जुना नीट का भी। चल आई एड वन मोर पॉइंट, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे भैया दीदी आए थे सर मेंटोर्स के जैसे, वी एक्सपेक्ट यू ऑल आल्सो टू बी एट दैट पोजीशन, और आप सब भी वहीं पे रह सकते हो। आपको पता है सर ने, मैंने, बहुत सारे फैकल्टीज ने उनसे बात की थी, और उन्होंने हमें एक बात बोली है कि बच्चा ना कॉन्स्टेंटली यही पूछ रहा था सर ये सफिशियंट है क्या, डाउट आपके अगर मन में हर चीज के लिए है ना बेटा, आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान देने वाला फैक्टर वही होगा बेटा, डाउट नहीं करना है। और बेटा उस डाउट में आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट करना है, फैकल्टीज पे ट्रस्ट करना है, हम पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, और कॉन्स्टेंट हार्डवर्क इज दी ओनली की। कुछ भी बीच में बेटा छूटा तो फिर
सर डिसबैलेंस जाता है फिर बैकलॉग आ जाता है, राइट सर? ठीक है, प्लीज कंसिस्टेंट रहिएगा, मिलेंगे हम लोग सारे फैकल्टीज आप लोगों का वेट कर रहे हैं बैचेस में, और आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो पीडब्ल्यू के ऐप में आप जाके सारी डिटेल्स को पा सकते हैं। तो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।